आप कैसे हैं आप बताएं? ठीक ठाक हैं? एक्सपेक्टेशन तो दूसरों को होगी, हमने तो तय किया है मामला, तो मुझे तो पता है क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बाकियों को पता चलेगा। लेकिन इतना कहूँगा कि ये जो दुनिया नई है डिजिटल की, बड़ी एक्साइटिंग है। मैं खुद दो चार चीज़ें कर चुका हूँ इस पर जो होने अब आने वाला है। बहुत आज़ादी है, उसके साथ एक जिम्मेदारी है। आप अलग अलग कहानियाँ सुना सकते हैं, हर तरह की कहानी सुना सकते हैं, कंपल्शंस कोई नहीं है। एक बड़ा पॉपुलर अंदाज में भी आप कहानी सुना सकते हैं, बहुत नीश अंदाज में भी सुना सकते हैं। बजट्स ऑफ कोर्स थोड़े से सीमित होंगे जब आप नीश में सुनाएंगे, बट बहुत बहुत एक्साइटिंग है। अलग अलग तरह के पात्र होते हैं, कमाल के एक्टर्स उभरेंगे आप देखेंगे, जिनको कभी भी मेन स्ट्रीम सिनेमा में आपने देखा नहीं होगा। एक्साइटिंग वक्त है जिसका मैं भागीदार हूँ इस वक्त, इसलिए बहुत मुझे बहुत खुशी है। मैं सोचता था ये 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ। अगर मैं बताने लगूँगा तो आप अवार्ड पता लग जाएंगे, मतलब बहुत सारी हैं। सीक्रेट गेम्स तो है ही है, बहुत अच्छा, घूल बहुत अच्छा है, इनसाइड एज अच्छा था, बोस अच्छा था, बहुत ओल्ड बालाजी का, बहुत सारे काम बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे काम बहुत अच्छे हैं। और जो अभी मुझे क्योंकि पता है आगे क्या आने वाला है, तो इससे और बहुत बेहतर होने वाला है। मैंने एक अमेज़ॉन के लिए सीरीज़ मेंटर की थी AIB और इरफान के साथ, तो अब इरफान जब आएंगे वापस तो कंप्लीट होगी। उसका नाम था गवर्नमेंट, AIB वाले थे, मैं मेंटर कर रहा था। फिलहाल मैंने अप्लॉज के लिए एक सीरीज़ शूट की है, हॉस्टेजेस, जो ख़त्म हो रही है, और एक बड़ी सीरीज़ बना रहा हूँ 18वीं सदी पे हिंदुस्तान में, वो बताऊँगा आपको। वो मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बड़ी सीरीज़ है। कौन सी चीज़ें? नहीं, एक आज़ादी है और आपके पास हक है, आप जो देखना चाहें आप देखें। कभी ये थोड़ी ज़बरदस्ती तो कोई है नहीं और थी भी नहीं, तो ये विवाद जो होते थे वो ज़बरदस्ती थे। कोई किसी चीज़ के ठेकेदार खड़े होते थे खामखा अपनी पब्लिक, तो एक सेना खड़ी हो जाती थी, फिर वही सेना बोलती थी फिल्म मत देखो, फिर वही सेना बोलती थी अब फिल्म देखो। तो वो तो अपने खुद की अपनी दाल रोटी सेक रहे थे, वो एक अलग खेल था। देखिए जो जनता है, ऑडियंस इन एट लार्ज, दे आर क्वाइट ब्रॉड माइंडेड, एंड इफ दे डोंट लाइक समथिंग दे डोंट सी इट, दे डोंट हैव टाइम टू गो एंड एजिटेट, स्क्रीम, थ्रो स्टोन्स, ऑल दैट इज पार्ट ऑफ सम एजेंडा ड्रिवन ग्रुप्स। बट इन ऑन डिजिटल द फ्रीडम इज क्वाइट अमेजिंग, but simultaneously there's a responsibility. It's very difficult being free, huh? So there is a responsibility in being free, and because you have no restriction, so then, you know, I mean, the onus is on the filmmaker, which is as it should be, and that's a responsibility you must take, but it's wonderful and scary. बड़ा खूबसूरत दिन है आज हिंदुस्तान के लिए, बिकॉज इट्स एनी वे जो हुआ वो एक फ्रीडम के लिए एक जीत है। तो इट्स ब्यूटिफुल, व्हाट वाज ब्यूटिफुल नेचुरल इज नाउ लीगल। आई वुड थैंक ऑल द एक्टिविस्ट ऑफ द LGBT कम्युनिटी, ऑल दोज दैट हु फॉट, बिकॉज दे नॉट ओनली फॉट फॉर देमसेल्व्स, दे ऑल्सो फॉट फॉर अस। So they fought for love and an idea of love, which is, and they fought for freedom and lack of restrictions, which is wonderful. Thank you so much.
आईरील अवार्ड के बारे में मैं क्या कहना चाहूँगी, आप ये पूछ रहे हैं? बेहतरीन यार, ये अभी मुझे लगता है जिस तरीके से इसको बांधा गया है, मतलब इतने अच्छे अच्छे अवार्ड्स नॉमिनेशंस है, तो इट्स अ गुड थिंग. आई थिंक वी नीड, यू नो, वी नीड दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग इट, वेयर दे आर नॉमिनेटिंग ग्रेट टेलीविजन कंटेंट और वेब कंटेंट. बस अच्छा, मुझे लगा तुम 377 के बारे में. मेरे लिए एक हैप्पी शाम है. मेरी ये सेकंड नॉमिनेशन है ये इस रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में, सो बहुत खुशी का मौका है और बहुत सारी एक्साइटमेंट है. सेक्शन 377 तो बहुत पहले अबॉलिश होना चाहिए था. आज हिस्टोरिक डे है, प्यार की जीत हुई है और वी हैव प्रूवन दैट इंडिया इज़ वन, एंड आरआईपी सेक्शन 377. थैंक यू. थैंक यू. बहुत प्रिविलेज फील करता हूं मैं, क्योंकि ऐसा कम होता है कि जो आप काम करते हैं उसी की चर्चा हो रही है, उसी की बातें हो रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है. और ये सब कुछ ऑडियंसेस के कारण होते हैं. पार्ट टू के बारे में अब तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, हो ना हो ये तो उन पर डिपेंडेंट है, नेटफ्लिक्स पर, लेकिन मेरे ख्याल से हाँ ये होने वाला है जी, बिग स्क्रीन पर. ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ. एक अलग माध्यम है अब सिनेमा देखने का, लेकिन बड़े पर्दे पर जो आप देखते हैं और उसका जो एक मज़ा है अलग तरीका सा, वो आप वेब सीरीज़ में या तो छोटे फॉर्मेट में आप उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे. वेब सीरीज़ का मेरे ख्याल से अब जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में उसको शूट किया जाएगा, जिस फॉर्मेट में उसको बनाया जाएगा, वो अब अलग होगा. उसके कॉन्टेंट्स भी अब अलग होने वाले हैं. सिनेमा कॉन्टेंट अलग है और ये कॉन्टेंट अलग है, और जो ऑडियंसेज हैं वो एक ही रहेंगे. जो सिनेमा देखने वाले हैं वो वेब भी देखेंगे, और जो वेब देखने वाले हैं वो सिनेमा भी देखने वाले हैं. किसका जादू? कुकू का जादू? चल नहीं, आप ऐसे उसे कनेक्ट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये मानना है कि इट्स अ वेरी नाइस डिसीजन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, और उम्मीद है कि ये इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट डज नॉट गेट टैम्पर्ड विथ. यस, ओके, थैंक यू. बहुत खास है, और वो बाकी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत खास दिन है, तो अच्छा है क्योंकि इस तरह के अवार्ड्स हमारे यहाँ होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट और बहुत सारा काम हो रहा है वहाँ, तो इट्स गुड, गुड रिकग्निशन मिलेगा सबको काम में. ग्लोबली बहुत ज़्यादा ऑडियंस है हमारी,
अगर हम अपने 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 सब्जेक्ट्स को, अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जैसा कि हम बाहर का काम देख रहे हैं, अगर वैसा रहेगा तो अच्छा, हमारे लिए एक विजन बढ़ता है काम को लेके, लोगों की समझ बढ़ती है काम को लेके। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब अच्छा है ना, जो लोग जो दो लोग प्यार करने वाले लोग हैं उनके बीच में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं चाहिए। आई डोंट नो कोर्ट भी क्यों आया था बीच में, बट अच्छा है उन्होंने इंटरफेयर किया और सही डिसीजन दिया। इट्स नेवर टू लेट, थैंक यू। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अच्छा, मैं इस तरीके से मुझे ये चीज़ लगती है इसके बारे में कि डिजिटल एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग अगर कहीं जा रहे हों तो मेरे बगल का आदमी शायद अपने मोबाइल पे मुझे ही देख रहा होगा, ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि शायद मैं जिसे देख रहा हूँ वो मेरे कहीं आस पड़ोस ही होगा, और ये चीज़ मतलब अपना अपना उस माध्यम का प्लस और माइनस होता है। तो मुझे इसका प्लस यही लगता है कि ये ऐसी चीज़ है कि अब जैसे सेक्रेट गेम नेटफ्लिक्स पे है, अब वो दो हफ्ते में उतरने वाला है नहीं, या तो 25 हफ्ते चलने वाला है नहीं, वो जब तक नेटफ्लिक्स रहेगा तब तक सेक्रेट गेम रहेगा, और जब तक सेक्रेट गेम्स फर्स्ट सीज़न रहेगा उसमें काटेगर रहेगा। अरे नहीं यार, मैं बेसिक नहीं, क्या हुआ, काटे कर करके अब कितने दिन हो गए, अभी तो मैं कुछ नया भी करके आया हूँ, तो नहीं नए के बारे में अभी बता नहीं सकता। साहेब हथकड़ी, अच्छा वो वाला सीन, नहीं वो तो ऐसा है कि वो काटेकर है ना, इसको अपने बच्चे बाजू में सोए हुए हैं, वन रूम किचन में रहता है बेचारा, जब तक बच्चे सोते नहीं है बीवी के साथ रूबरू नहीं हो पाता है, मतलब हाथ भी नहीं लगा पाता है। तो ऐसे आदमी को जब किसी के घर में जाके ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो फिर वो कहते हैं कि साला ये सर कोई तो आइटम पेश लगता है, ये ऐसा हथकड़ी में अपने घर पर लेके गया ना तो मेरी बीवी मेरे को ऊपर बांध देगी और नीचे से मिर्ची का धुआं देगी। पार्ट टू का, हाँ जी यार, वो कब तक आने वाली है मैं नहीं बता पाऊंगा। विक्रमादित्य मोटवानी सर और अनुराग कश्यप सर आएंगे, उनसे आप पूछना, बिकॉज काटेकर तो चला गया अब सेकंड सीजन तो उनका है, वो कब करेंगे, लेकिन ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है मैंने भी सुना है, और अब तक तो पहले सीज़न से ही निकल नहीं पाया हूं मैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग मिल रहे हैं, जिस तरीके से लोग प्यार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब सब लोगों की मेहनत है उसमें, और जो मलाई जो है वो एक्टर खा जाता है ना, वैसे तो हम मलाई खाने का काम कर रहे हैं, सब लोगों ने काम कर लिया। अनुराग सर और विक्रमादित्य मोटवानी सर ने दोनों ने मिलके इसका निर्देशन किया, डायरेक्शन किया, लेकिन मैं अनुराग सर के साथ काम नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा जो पूरा हमारी जो स्टोरी थी, जो ट्रैक्स थे हमारे, वो सारे विक्रमादित्य मोटवानी सर ने डायरेक्ट किए थे, तो लेकिन अनुराग सर ने ये कहा है कि वो मुझे कास्ट करेंगे किसी चीज़ के लिए, तो एक्साइटिंग चैलेंज तो ये था कि सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो काटेकर के लिए रही वो ये थी कि वो पुलिस वाला है लेकिन उसको एक स्टीरियोटाइप पुलिस वाला ना बनने दूँ, ये चैलेंज था। लेकिन ये चैलेंज मेरे लिए आसान हो गया क्योंकि विक्रमादित्य मोटवानी सर डायरेक्ट कर रहे थे, और
वरुण, वसंत और स्मिता ने जिस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी थी और सेट पे जो माहौल बना हुआ था, तो वो इतना रियलिस्टिक जोन का था कि उसमें दूसरा आप कुछ कर ही नहीं सकते, गुंजाइश ही नहीं थी। तो चैलेंज तो यही था कि उसको इंसान ज़्यादा रखा जाए, ना कि सिर्फ हवालदार हवालदार वो जो बना देते हैं ना उसको, तो वो उतना चैलेंज था। मुझे लगता है वो पूरा करने के लिए इन सारे लोगों की मदद हुई। मैंने एक्चुअली सच बताऊं, मैं हर चीज़, मतलब कोई एक सीन ऐसा नहीं था कि जिसको लेकर मैं एक्साइट हुआ था। उसमें सारे सीन्स ऐसे थे मेरे लिए कि एक तो अलग अलग लोकेशंस पे थे, कहीं धारावी में शूट किया, कभी कहीं पुरानी मुंबई में शूट किया, तो सारे सीन्स ऐसे थे, जगहें ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा उछल रहा था मन, और अच्छा काम करने को मिला यार। तो अच्छा काम जब अच्छा लिखा हुआ अच्छा होता है, डायरेक्टर अच्छे होते हैं और को आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, सैफ अली खान के साथ काम करने का मौका मिला तो एक्साइटमेंट तो ऐसा कोई एक सीन को लेकर नहीं थी, सारे सीन्स को लेकर थी। शुक्रिया। That was a long bite. Don't make me do so much. Okay. I really award is happening first time and I'm very excited the way you know the platform, web series platform going, it's going huge, so I think I'm very excited and of course I have lots of expectations and I'm really looking forward to who's all gonna get the awards because I don't miss any of the web series. I'm sorry, what? Meri web series I think soon because I'm getting few offers but I haven't signed anything, but yeah, I'm sure, I think pretty soon you will see me in series, yeah. I'm very happy that okay, government taking the initiative to you know approve all that. I'm very happy and I'm congrats to everyone, and this is a celebration day and this is a celebration evening, so we all are celebrating that, that's very good. Thank you. It's usually my job. I'm RJ Archana. Shoot. आज के रात I think ये बहुत ही ज़्यादा progressive है for our country. टू बी सेलिब्रेटिंग जहाँ पे हम लोग सिर्फ बॉलीवुड करते हैं एंड वी फील सैड अबाउट यू नो आई एम फ्रॉम द म्यूज़िक वर्ल्ड एंड आई टेल यू रेडियो पे भी जब सिंगल्स बनते हैं और हम सिंगल्स को जब सेलिब्रेट करते हैं जो डिजिटली बाहर निकले हैं तो वी गेट वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन एंड व्हाट्स ब्यूटिफुल इज़ कि इंटरनेट पर कोई रोक टोक नहीं है सो आई थिंक विदाउट सेंसरशिप यू कैन से व्हाट यू वॉन्ट सो आई थिंक दिस इज ट्रूली सेलिब्रेटिंग an artist who visualizes and can put a film out there or digitally hum log I feel bahut dhamal kar rahe hain so I'm so happy and proud to be a part of tonight. क्योंकि मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा इस शाम के लिए और बहुत
बहुत सारा हर शो देखा है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे नेटफ्लिक्स पे हो, चाहे अमेजॉन पे हो, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमें जूरी में सेलेक्ट करते हुए बहुत मज़ा आया था, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ शाम को लेके। मुझे लगता है कि इट वॉज अबाउट टाइम, इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस, इट्स लॉ ऑफ द नेचर एंड द कोर्ट इज जस्ट एंडोर्स्ड इट, सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। I think none of it is dropping. I think people continue to watch movies, people continue to watch television, but web just gives you the convenience of watching it on your mobile phone, and it's just so convenient, and the kind of content that's available, it opens up the gamut to many, many new producers and talent, lots of talent. So of course it is, it's a lot of freedom in digital space, and that's why you see the kind of content that you are, and I think it's a great space because you're just getting, it's your choice, the choice you're making, and to pick what you want to watch. You know, it was very difficult, and I'll admit it was very difficult, we had long debates to decide kisko milna chahiye, kisko nahi, but having said that, I think you know, the winners are out there and you'll get to know them tonight. Anything else you'd like to share with the viewers and fans? No. तुम तो रोज ही मिल जाते हो। थैंक यू। नहीं, मुझे कुछ फीलिंग नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे एक्टर्स के बीच में नॉमिनेशन मिला है, बहुत अच्छे एक्टर्स को नॉमिनेट किया है थ्रू आउट आई थिंक आई रील में, और मुझे बस ये मज़ा आ रहा है कि मैं बहुत अच्छे एक्टर्स को आज शाम मिलूँगी बस। धमाकेदार तो नहीं पता, लेकिन मैं आयशा सीजन 3 कर रही हूँ और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल कर रही हूँ, कुछ अलग है, कुछ मस्ती मजाक करेंगे। हाँ वो आप देख लीजिएगा। हाँ जी, आपको मेरे सारे अटायर्स ब्यूटीफुल लगते हैं, बिल्कुल। ये पापा डोंट प्रीच का आउटफिट है और बहुत सुंदर आउटफिट है, और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे भेज दिया ये आउटफिट, और आई वाज वेरी हैप्पी टू वेयर इट टुनाइट, लवली। और मुझे पैंट सूट पहनना वैसे ही बहुत पसंद है। आप अग्री करते हैं? तो अगर सब खुश है तो बस सब में हमारी खुशी है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत हिस्टोरिकल दिन है, और ऐसा दिन मतलब आई थिंक हिस्ट्री बुक्स में जाएगा, इट्स गोइंग टू बी अ हिस्टोरिकल डे, और मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो लोग बिना झिझक, बिना किसी डर और बिंदास होकर प्यार करेंगे, सो आई थिंक इट्स दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अवार्ड लेकर ही आ जाओ, मैं तुमको पक्का पता है ना कि मैं ये अवार्ड लेकर आ रही हूँ। ऑनेस्टली जब पहले हम लोग आते थे तो इससे 1/3 मीडिया होती थी, आधी, और बस डबल ट्रिपल इज एक्सपेंडिंग, सो थोड़ा नर्वस होता है कभी कभी। एक्चुअली पिछले 2 सालों में जो पूरा वेब का कंटेंट एक्सप्लोर हुआ है, आई हैव नॉट सीन ऑनेस्टली इंडियन वेब सीरीज़, मैंने बहुत सारे नहीं देखे हैं। मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ आध एपिसोड्स, थोड़े बहुत क्लिपिंग्स दिखाए हैं, आई विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ इट, बट आई थिंक
people are doing a fantastic job in India with the web content. I think some of the web content is, if I can say that, superior to movie content also. I would like to say that, you know, we as a humanity, as a race, we must move towards a situation where in our heart, in our mind, we feel compassionate and a general sense of brotherhood with the entire race, regardless of their sexual orientation, lifestyle choices. As long as they're not harming somebody else with their actions, we have to move to a society where we live and let live. We have to move ahead of judgment. So I think this change, the decriminalization, is a step in that direction. Because with judgment comes condemnation, with condemnation comes harassment. That's not the sign of a progressive society. So, yeah. मैं एक्चुअली सोशल मीडिया में मुझे उतना इंटरेस्ट था नहीं पहले, बट अभी थोड़ा थोड़ा होने लगा है, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, इंटरेस्ट भी है, तो दैट्स व्हाट इट इज़. थैंक यू. वेल मैं तो बहुत खुश हूँ बिकॉज आई थिंक इंडिया में बहुत कम ऐसे अवार्ड प्लेटफॉर्म्स है जो डिजिटल को रिकग्नाइज कर रहे हैं. आई नो ये एक नया इंडस्ट्री है, कई सालों से टेलीविजन और फिल्म ही चलते आए हैं, बट आई थिंक पिछले 3-4 साल में काफ़ी अच्छे डिजिटल शोज़ आए हैं. तो आई थिंक आज के बाद बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स क्रॉप अप होंगे और मैं तो बड़ा खुश हूँ. तो अच्छी बात जी. आई थिंक ऑफ लेट तो जो सारा इंडिया अग्री करेगा सेक्रेड गेम्स डेफिनेटली, बिकॉज ऐसे ऐसे क्वालिटी के साथ, चाहे वो जिस तरीके से उसे बताया गया है स्टोर कहानी, या जिस तरीके से शूट किया गया है, जिस तरीके के एक्टर्स ने उसमें काम किया है और अच्छे डायरेक्टर्स, तो आई थिंक डेफिनेटली सेक्रेड गेम्स. और होपफुली अगला साल जब हमारा इनसाइड एज का सेकेंड सीजन आएगा तो हम उसका भी नाम उसमें उसके साथ जोड़ सकते हैं. Definitely. I think ये एक बहुत ही अहम फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने. ऑनेस्टली पूछा जाए तो ये फैसला करीबन 5-6 साल पहले लिया जाना चाहिए था, बट बेटर लेट देन नेवर. आई थिंक भारत में इतने सारे लोग हैं जो अभी फ्रीली अपने सेक्सुअलिटी को लेके यू नो एम्बैरस नहीं होंगे, और ये बहुत बड़ी बात है. एंड ये एक अच्छा मौका है कि आज हमारा शो भी है, और मैं चाहता हूँ कि जो जो अवार्ड्स जीते आज वो स्टेज पे जाए और इस मुद्दे के बारे में कुछ ना कुछ कहे, बिकॉज वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम यहाँ सिर्फ अवार्ड्स कलेक्ट और अवार्ड्स सेलिब्रेट करने नहीं आए हैं. इफ़ वी कैन डू समथिंग गुड टुवर्ड्स द कंट्री एंड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, हमें ज़रूर करना चाहिए. जी हाँ जी. अभी फ़िलहाल मेरे दो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो वेब सीरीज़ ही है. एक है फैमिली ओल्ड बालाजी के लिए,
और एक है अमेजॉन प्राइम का इंसरेज सीजन 2 जो अगला साल तक आएगा, अगले मार्च अप्रैल तक आ जाएगा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। यहाँ पे आज मुझे सच में ऐसे फील हो रहा है कि मैं आज़ाद हो गई हूँ और आज के बाद मेरी काफ़ी बहनों को आसरा मिलेगा, मुझे भी किसी का आसरा चाहिए, मुझे भी आसरा मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट और सबका, सब पूरे भारतवर्ष का भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि सबने हमको एक्सेप्ट किया है और कर रहे हैं और भी सबने एक्सेप्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ों से फ्रीडम ऑलरेडी मिल चुका था पर हम लोग उसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे। यू नो आज भी, आज एक लड़की अगर रात को बीच रात में जाती है तो आज भी लोग उसे, उसका फ्रीडम है राइट, बट लोग उसको अजीब तरीके से देखते हैं राइट। सो वी एज अ सोसाइटी, हम लोगों को बदलना होगा, हम लोगों को इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। विकी जैसे ऐसे बहुत सारे किन्नर्स हैं जिनको जॉब नहीं मिलता, जिनको काम नहीं मिलता, उनको सोसाइटी में अब तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है और विकी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि ये चीज़ों को बदले। विकी खुद एक ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में काम करती है और हमारे पास अभी बहुत बहुत सारे ऐसे, जैसे मेरी ड्राइवर ट्रांसजेंडर है तो मुझे, मैं चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। वर्डिक्ट होता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होती रहेगी पर हमें बदलना होगा, विच वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। नहीं, थैंक यू वेरी मच। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं मेरी सब बहनों को जॉब मिले और उनका एजुकेशन बढ़े। थैंक यू वेरी मच। यू वांट हर टू डू दैट? नो, वी हैव ऑलरेडी डन इट, वी हैव ऑलरेडी डन इट। Clean shit.
बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने वाकई मेहनत तो की थी हमने, बट हमें इतना नहीं पता था ऐसे हो जाएगा कुछ। मुझे पता ही नहीं था, मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि हमने मेहनत तो की थी लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। इस मैं भी रोम में था तो वहाँ पे हर आदमी, वहाँ के जो रोमन हैं स्पेशली इटालियंस जो हैं वो सीरीज़ को देख रहे हैं और बहुत मतलब इन्जॉय कर रहे हैं, तो होपफुली हम सेकेंड सीजन का वेट कर रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या। मैं तो बहुत अच्छा फील करता हूँ लेकिन उसके पीछे इनकी मेहनत है, ये है वो, ही इज द रियल हीरो ऑफ बिहार द सीक्रेट गेम। वो जब आएगा तब आएगा, जब आएगा तब आएगा। अच्छी बात है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो उसको ये तो सेलिब्रेशन की बात है हम सब के लिए। मंटो बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है हम लोगों के लिए और लाइक जैसे आज के दौर की फिल्म है, बहुत रिलेवेंसी रखती है मंटो, बहुत रिलेवेंट फिल्म है, यूथ को बहुत कनेक्ट करेगी ऐसा मुझे लगता है, लेट्स सी देखते हैं क्या। मुझे कैरेक्टर्स की ऑफकोर्स उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेयर्स ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं उसकी वजह से। हम लोग तो दुआ कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएं और वापस से घर जाएं और बहुत ही उनकी हेल्थ के लिए हम सबको प्रेयर करनी चाहिए। मेरा फेवरेट डायलॉग है वो दूसरा वाला है मेरा, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। हमसे ज़्यादा द कंट्री इज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम लोग जानते थे कि ये शो अच्छा करेगा बट इट्स गॉन टू अनदर लेवल बेसिकली एंड आई थिंक टुडे वी आर रियली एक्साइटेड बिकॉज टच वुड होपिंग वी गोना विन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स। जी हाँ, मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई थिंक मैंने पूरा का पूरा सीजन वन दो दिन में देख लिया था, आई थिंक सीजन टू वील वॉच इट इन वन डे, नॉट इवन टू डेज। Very, very excited about the next season now. मेरा favorite dialogue मेरा खुद का है but वो बहुत उसमें बहुत गालियाँ थी तो I think I should not say it right now because वो पूरी गालियों से भरा हुआ था, बोल दूँ? तो बंटी मेरा भाई मुझसे पूछता है कि नहीं यार, I can't say this on national television. Then you will watch the show and watch my dialogue there. I won't say it. Yeah? All right. Thank you. Thanks. सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
जी 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 मेरा ऐसा मानना है कि जैसे फिल्मों में होता है, टेलीविज़न में होता है, वेब सीरीज़ भी एक माध्यम है, और जो अभिनेता है, अन्य निर्देशक है और जो टीम काम करती है उनके साथ, सब मेहनत मशक्क़त करते हैं और उन्हें सम्मानित करना बहुत ही अच्छी पहल है। एंड आई होप देयर इज मोर ऑफ दीज अवार्ड्स एंड बिगर एंड बेटर, एंड आई होप आई मैनेज टू विन फ्यू ऑफ देम। हाँ जी, कसौटी जिंदगी की जी जी कसौटी जिंदगी की दूसरा अध्याय, उसमें मैं नहीं हूँ। वो एक नई कहानी है नए कलाकारों के साथ, नए अभिनेताओं के साथ, एकता कपूर का ही है और अभी शुरू होने वाला है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं आज जो हूँ आपके समक्ष खड़ा हूँ, तो कसौटी ज़िंदगी के बदौलत खड़ा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साथ हुआ और जो ऊंचाई हमने देखी, वही ऊंचाई इस अध्याय के अभिनेता देखें और ये अध्याय कसौटी ज़िंदगी वो देखें। जी हाँ जी, डीक्रिमिनलाइज किया है जी। मैंने शाम को एक ट्वीट किया था कि नॉर्मल इज समथिंग दैट इज सैंक्शन्ड बाय सोसाइटी, बट नोबडी इज नॉर्मल, वी आर वी, यू आर यू, सो जस्ट बी यू, एंड एवरीबडी हैज़ द राइट टू बी देमसेल्व्स, एवरीबडी हैज़ द राइट टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, इंक्लूडिंग सेक्शुअल प्रेफरेंसेस। So to criminalize a personal choice goes against the Constitution of India, and I applaud the judgment given today. It shouldn't have been criminalized in the first place, but I'm glad it has been eradicated, and congratulations to the LGBT community. About tonight, very excited. Very excited because this is my second time at the Newsreel 18. And the first time I was here, everybody was like, what question exactly do we need to ask her? But now it's like, there are so many questions. It makes me really happy. It makes me feel really amazing. I think it's exhilarating. When I did the character, I didn't think it's going to be a part of a movement. I definitely didn't think it's going to be historic. And today it is, and it feels like that. And it's just so, it's so humbling. And honestly speaking, I was following the verdict from 11 a.m. And at 11:40, when it was said that now 377 is scrapped and 377 doesn't exist anymore, I had this big, huge smile on my face and I haven't been able to wipe it off. So I'm very happy. Thank you. Thank you. Thank you.
Hi, how are you guys? I'm very excited. I've been nominated for the best actress, but even Nimrit Kaur's been nominated, and I think she's done a great job. And I'm looking forward for the night. There's so many of all shows that has been nominated as best series, Ghosts. One of my favorite shows, Sacred Games, also nominated. So I'm really happy. I'm really excited to see the whole event. अभी तो जैसे आप लोगों ने सुना है सुपर 30 ऋतिक की अभी फॉर नाउ दैट इज देयर लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट यस इट्स डन आई शॉट ऑलरेडी विद ऋतिक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस जस्ट वेयरिंग अ रेड कार्पेट ऑन द रेड ड्रेस ऑन रेड कार्पेट थैंक यू सो मच थैंक यू मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार नॉमिनेट हुई हूँ और सब मुझे एक डांसर की तरह जानते हैं और अभी मैंने एक वेब सीरीज़ की थी जिसमें मैंने एक्टिंग की है एंड आई प्लेड अ लेस्बियन फेमिनिस्ट एंड वो शो का नाम है इनमेट्स और वो TVF में था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं नॉमिनेट हुई हूँ फॉर बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी एंड सो जस्ट हैप्पी टू बी हियर यार अच्छा लग रहा है हमें भी अभी तो मैं फ़िलहाल होस्ट कर रही हूँ दिल है हिंदुस्तानी स्टार प्लस पे और बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि ऑल द टाइम यू आर ऑन योर टोज आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो आप न्यू कंटेस्टेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हो एंड दैट फीलिंग ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू म्यूज़िक इट कीप्स यू प्योर इट कीप्स यू हैप्पी सो आई एम हैप्पी टू बी देयर एंड देयर इज़ अ न्यू लाइक आई थिंक वेब पे जितनी ज़्यादा कहानियाँ आ रही है ना उससे ज़्यादा लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि आजकल सबके हाथों में फ़ोन होता है और आप लोगों से कनेक्ट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो थ्रू फ़ोन पहले टेलीविज़न था और उससे भी पहले 70 mm है सो नाउ दैट ऑल द फोर्सेस आर कमिंग इन वन विच इज़ वेब सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड अच्छा लग रहा है बहुत ही खुश हूँ मैं आई थिंक 157 ईयर्स के बाद प्यार मुक्त हुआ है एक प्यार मुक्त हुआ है एक खुशी मिल रही है कि प्यार का कोई दायरा नहीं होता मोहब्बत का कोई दायरा नहीं होता और आज एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए एंड आई वेरी हैप्पी दैट वी ऑल आर हियर एंड एज एन इंडस्ट्री एज यू नो आपके पास भी कैमरेज हैं आपके पास माइक्स हैं सो यू हैव अ वॉइस यू हैव अ विजन And we all should celebrate this day together with this vision that love is free. So congratulations everyone. Thank you. Thank you, Ji. See you. Bye-bye. Hi, guys. Hi, hi, hi. Hey. Thank you. Come, come, come. Yash, come, no? Come in the center. क्या उम्मीद है आपकी हम जीत जाएं हमारी वेब सीरीज़ दो नॉमिनेशंस में है तो यही उम्मीद है कि हम जीत जाएं और काफ़ी मज़ा आए और आई थिंक दिस आर द फर्स्ट डिजिटल अवार्ड्स ना हाँ दिस वन ऑफ द फर्स्ट वंस हमारे लिए हमारे दो तीन शोज नॉमिनेटेड हैं अडल्टिंग नॉमिनेटेड है व्हाट द फोक्स नॉमिनेटेड है 2x3 नॉमिनेटेड है तो वी हैव द मोस्ट नंबर ऑफ ऑडियंस अवार्ड्स और द वोट्स ऑनलाइन अपार्ट फ्रॉम सीक्रेट गेम्स सो इट फील्स गुड
सो अगर हम सेक्रेड गेम्स के उसमें है तो इट्स वेरी नाइस। हमारा शो नेटफ्लिक्स के साथ लिटिल थिंग्स 2 निकल रहा है, वो अक्टूबर 5 को रिलीज़ हो रहा है, उसका टीज़र निकल चुका है एंड द शो शुड बी आउट इन अक्टूबर 5। ओके कूल कूल, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स। Very excited. I'm very happy that somebody's decided to encourage web shows. I think there's some very path-breaking work happening in the web space which needs this kind of encouragement. Yeah, thank you. Yeah, or you want to just send me? हाय यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑब्वियसली यू नो टेलीविजन के लिए अवार्ड्स होते हैं, फिल्म्स के लिए अवार्ड्स होते हैं। आई एम सो ग्लैड यू नो फॉर द वेब स्पेस दिस एन अवार्ड फंक्शन दैट्स हैपनिंग बिकॉज जैसे हम कह रहे हैं वेब इज़ बूमिंग, वेब्स बिकम सो सो बिग, सो इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू एक्चुअली यू नो गेट देयर ड्यू। और क्योंकि वेब इतना बड़ा हो गया है, आई एम सो हैप्पी है जी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया है, तो पहले तो थैंक यू सो मच हूएवर टुक दैट डिसीजन एट द कोर्ट, थैंक यू सो मच, बिकॉज हम लोग बात करते रहते हैं एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इक्वल राइट्स एंड ऑल दैट, तो आई थिंक इट वाज टाइम कि हम किसी को भी ऑन एनी काउंट अलग ना ट्रीट करें। थैंक यू सो मच to the court and to the people who are responsible behind it. Thank you so much. बहुत एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म है एक्टर्स के लिए, एक और एवेन्यू खुल गया है, इट्स एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म, रादर आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम्ड प्लेटफॉर्म, बिकॉज आप नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार या अमेजोन या जो भी देखें या जो भी जिसमें भी आप एक्ट करें, आई थिंक द होल वर्ल्ड इज़ आउट देयर टू सी यू, सिर्फ एक पासवर्ड की ज़रूरत है। सो आई थिंक इट्स एक्चुअली फिनोमिनल बिकॉज इट्स ओपनड, देर आर नो बाउंड्रीज एनी मोर, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू रीच much much larger audience, and it's not just Hollywood or Bollywood, I think it's you are reaching boundaries where you never imagined, maybe somebody sitting in Australia or somebody sitting in, I don't know, maybe there's in Afghanistan or Pakistan or wherever. So I think the reach is amazing of a digital platform, and very very excited to be here at the iReel Awards, and yeah, wish everybody luck. Sorry, yes, very very happy and very very excited that 377 section has been scrapped, and it's very very important to make people feel inclusive, they are as human beings as we are, and I think it's a great great idea, a great decision, a great judgment has been taken. I'm very happy for the whole community, and I think it's very important not to feel threatened when you're choosing your partner, and ab wo freedom sabke paas hoga to choose who they want to be irrespective of the gender, so that's a great thing. Yeah, thank you very much, thanks.
वेरी गुड. रेड कार्पेट पे रेड ब्यूटी. थैंक यू. यस बुला सकते हैं. आई थिंक बहुत ही इनकरेजिंग प्लेटफॉर्म है हर एक क्रिएटिव एस्पेक्ट से, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो. लिबर्टी यस, लेकिन आपको आपके कंटेंट के लिए ऑनेस्टी के साथ अप्रोच करने का स्कोप मिलता है, जो आई थिंक एडल्ट्रेट हो जाता है किसी और मीडियम पे, डाइल्यूट हो जाता है. फिल्म में सेंसरशिप होती है तो प्रोड्यूसर सोचेगा कि ये सर्टिफिकेट मिलेगा तो रिटर्न कैसे होगी, कैसे कमाएगी फिल्म, यूए होना चाहिए उसके लिए. आप अगर ए कंटेंट है तो आप उसको यूए बनाने की कोशिश करते हैं. यूए कंटेंट है तो आप बोलते हैं अरे बट ये यूए कंटेंट तो सेल करेगा नहीं, इसको हमको बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी न्यूडिटी डालनी पड़ेगी, बोल्ड, सो कॉल्ड बोल्ड करना पड़ेगा, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है. तो आई थिंक वो एक ऑनेस्टी को रूम और स्पेस देता है वेब, विच इज़ वाई आई एम अ बिग फैन एंड आई विल बी, बिकॉज आप ट्रू हैं और आप ऑनेस्ट हैं. आप उस प्रोजेक्ट या उस स्टोरी टेलिंग से कोई भी रिलेटेड एस्पेक्ट को देखें तो उसमें ऑनेस्टी दिखेगी. आप सेक्रेट गेम्स मैं आई नो मेरी अपनी है, लेकिन आई एम बीइंग ऑनेस्ट बिकॉज आई वाज ब्लोन. मतलब फर्स्ट सीजन में आपने बहुत एक सीन देखा मेरा, बट सेकेंड सीजन आएगा तो बट आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एंड आई वॉज अमेज्ड जो पूरी टीम ने, अनुराग, विक्रम, नवाज, सैफ, एवरीबडी, आई थिंक फ्रॉम एक्टर्स टू टेक्नीशियंस टू द डायरेक्टर्स, फैब जॉब. जी देखेंगे, मैं अभी नहीं बता सकती, नहीं बता सकती. कूडोस कूडोस कूडोस, बहुत ही बहुत बहुत खुशी की बात है और आप सबको भी इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई हो. आई थिंक आई एम स्टैंडिंग हियर एज अ प्राउड इंडियन टुडे. आई एम सो प्राउड ऑफ दिस डिसीजन एंड आई एम सो प्राउड कि ये आज भारत में हुआ है. ये एक मेरे लिए, मैं कहना चाहूँगी कि ये एक एग्जाम्पल है और देशों के लिए जो अभी भी काफ़ी पीछे हैं, जो अभी भी जिनमें ह्यूमैनिटी की एक्सेप्टेंस जैसे नेचर चाहता है एक्सेप्टेंस हो वैसी नहीं है, विच इज़ व्हाई इट जस्ट मेक्स मी हैप्पी. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लव एंड गिविंग लव टू पीपल द वे दे आर एंड रिस्पेक्टिंग देयर इंडिविजुअलिटी एंड ये इंडिविजुअलिटी की बात है. सो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू. स्टार्ट हो जाए जल्दी कर दो. दो क्वेश्चन आया है, मतलब आया क्या, मतलब था हर जगह था. हम लोग तो जब नहीं भी था तब भी कर रहे थे शॉर्ट फिल्म, ऐसा कुछ नहीं है. मैं आप कहाँ देखते हो आपके ऊपर है, हम क्या बनाते हैं वो हमारे ऊपर है. जिंदाबाद सुप्रीम कोर्ट, जिंदाबाद. क्या चीज़ कैसी है? मैं कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ. मुझे करने के लिए ज़्यादा काम है, मतलब हमारे पास करने के लिए ज़्यादा काम है अभी. ये मुझे नहीं पता है. अच्छा
नहीं पता है बात, मैं इतना ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। ऑडियंस जैसी थी वैसी है, हम लोग और भी नई चीज़ें कर रहे हैं अभी। यार ये गलत आदमी सवाल पूछ रहा है, मैं हमेशा अपने हिसाब से काम करता हूँ, मैं अपने लिए करता हूँ जो करता हूँ। अरे लेफ्ट, बहुत दिन के बाद भाई, बहुत दिन के बाद। हाँ ये वेब सीरीज के जाल में लोग फंस गए हैं और फंस जाएंगे, बहुत बड़ा जाल है वेब जो है ना, वो बहुत सीरियस है, वेब सीरियस बोलना चाहिए उसको, वेब सीरीज नहीं है। हाँ लेकिन है यार, है, एक नई दुनिया खुल गई है और आई थिंक इट्स वेरी गुड बिकॉज देयर सो मच मोर पब्लिक के लिए टू एक्सपीरियंस। पहले था भाई टीवी था और एक फिल्म थी, अब एक दूसरी दुनिया खुल गई है जो आप फ़ोन पे भी कर सकते हो, लैपटॉप पे कर सकते हो, बड़ा करके आप बड़े स्क्रीन पे देख लो। सो आई थिंक इट्स वंडरफुल। लेकिन अब छनेगा और गेहूँ से जो कहता है ना गुण अलग होगा, बट आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक वर्ल्ड। हाँ 377 है, हम लोग सोच रहे हैं 378 को भी कुछ करना चाहिए बिकॉज उसके बाद 378 आएगा ना, 377 तो हो गया। वेरी गुड, फैंटास्टिक, आई थिंक इट्स अ बिग डिसीजन। और देखिए आर्टिकल्स पास हो जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे कि ह्यूमन राइट्स हैं, नहीं आप ये नहीं कर सकते लेकिन सब कर रहे हैं, आप मार नहीं सकते लेकिन मार रहे हैं, सब हो रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज एक हो गया कि ये होना चाहिए लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली होता है सड़क पे, दैट इज द मेन थिंग। एंड आई होप द जस्टिस शुड प्रिवेल, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होना चाहिए। टोटल धमाल कंप्लीट है, एंड टोटल धमाल है वो, बहुत ज़्यादा धमाल है। और एक से एक अभी एक्टर भी जुड़ गए हैं, अजय आ गए हैं, अनिल माधुरी, रितेश अर्शद और मैं हैं, संजय मिश्रा भी हैं, जॉनी लीवर आ गए हैं, बवन ईरानी आ गए हैं, पितोबाश हैं, फैंटास्टिक टीम। ओके थैंक यू।